हरियाणा ने खिडारियों सारे टॉप जॉब दित्तियां ने, जिम डीएसपी भर्ती किए ने, पंजाब के खिडारियों ने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, पंजाब के खिडारी कोई रेलवे कोई ONGC बाहर कंपनियां जाके जॉब जदों सरकारां दा ध्यान नहीं होगा, सरकार प्लेयर जिवें जॉब नहीं दू, जिहड़े आ मैं 13 प्लेयर गिणे ने पंजाब दे जा रहे ने, इन्हां विचों भी बहुते प्लेयर रेलवे ONGC वख-वख कंपनी बाहर जॉब करदे ने। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी प्लेयर खेडे, नैशनल खेडे प्लेयर खेलते फिरते हैं, रोटी मिलती हैगी। अगे लोगों को माँ बाप को खेडों फ्यूचर वधिया दिंदा सी, इत्थे पढ़ाई का फ्यूचर वधिया नहीं, इत्थे बच्चे पढ़ाते खड़ाते प्लेयर बनाते फिर इंडिया खेडते। हर वार ने जिहड़ियां खेडां नूं लै के युवा पीढ़ी का जिहड़ा आकर्षण हुंदा है वह भी हुंदा, क्योंकि खेडां दे नाल पंजाब दे जिहड़े लोग ने उन्हां दा खिचवां प्यार हुंदा है, ते भारत दे विच वी। ते हुण सारियां टीमां जिहड़ियां इकट्ठियां हो के एक परिवार बन के टोक्यो ओलंपिक दे विच जा रहियां ने, वह 23 जुलाई तो लैके अगले महीने तक चलेगा। गलबात करांगे साडे नाल खेड जगत दे बहुत ही वड्डी शख्सियत ने जगरूप सिंह जी जरखड़ तो, जिन्हां ने बहुत नाम कमाया, उन्हां नाल गलबात करांगे कि जिहड़ियां खेडां हुण जा रहियां ने उन्हां दे बारे उन्हां दा की कहना है। सर सत सत श्रीकाल जी, तो अपने जी टोक्यो ओलंपिक ने 23 जुलाई तो 9 अगस्त तक हो रही ने, तो लास्ट ईयर होनिया सी पर करोना महामारी कारण 1 साल लेट हो गई, क्योंकि जी ओलंपिक खेडों का स्टैंडर्ड 4 साल बाद हुंदा, तो इस बार टोक्यो दे विच तीसरी बार मेजबानी टोक्यो कर रहा, और टोक्यो जिहड़ा सिटी है उन्हें थोड़ी जी पता नहीं की समस्या, एक बार 40 दे विच उन्होंने अलाट हुई सी, ते वो खेडां भी सैकंड वर्ल्ड वार करके नहीं हुई सीगियां, उस तो 1964 दे विच उन्हें टोक्यो ने मेजबानी की, और टोक्यो दे विच इंडिया ने एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की सी, 1964 दे विच इंडिया ने जिहड़ा अपना 7वां गोल्ड मैडल जितया सीगा, ते इस बार जिहड़े इंडिया दे आ 190 मैंबरी जिहड़ा वफद जा रहा वा, जिहदे विच कुछ टैक्नीकल अधिकारी भी ने, 130 दे करीब वख-वख खेडां नाल कदों कदों जा रहे ने सारे 130 के करीब खेडन संबंधित अथलीट ने, यह 23 जुलाई तो स्टार्ट ने, मेरा ख्याल जी वक् वक् टीम जानिया स्टार्ट हो गई ने, जिदा साढ़िया मैन एंड वूमेन के हॉकी टीम्स ने, तो इस तो अलावा इंडिविजुअल गेम ने 16 गेम्स के इंडिया पार्टीसपेट कर रहा। कई समय तो लोग ने जिहड़े अपने बच्चों भी खेडों के पा रहे हैं, पंजाब के भी आ रहे हैं, पंजाब कितना क योगदान देगा टोक्यो खेडों के? बिल्कुल, एक वक्त होंदा सी जदे जे टोक्यो ओलंपिक जां किसी भी ओलंपिक दे विच मान लो इंडिया वालों 70 प्लेयर जा रहे हैं तो 35 तो वध प्लेयर पंजाब दे हुंदे सी, पर हालात पंजाब दे डामाडोल हो गए ने, इस टाइम पंजाब दे 13 प्लेयर सिर्फ जा रहे हैं, तो हालांकि हरियाणे की बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन हैगी, हरियाणा ज़्यादा जा रहा, पंजाब का भी एक जिहड़ी वड्डी कंट्रीब्यूशन होगी हॉकी, क्योंकि जिहड़ी मेन टीम आ पंजाब दी उहदे विच जिहड़े 16 खिडारी चुने गए ने इंडिया टीम लई, 8 खिडारी पंजाब दे ने, तो जिहदे विच एक जिहड़ी कुड़ियां दी टीम चुनी उहदे एक खिडारी ने गुरजीत कौर, और मुंडियां दे विच रुपिंदरपाल आ, हरमनप्रीत हैगा, कप्तान मनप्रीत सिंह है, गुरजीत कौर बरनाला तो चुने गए ने, नहीं नहीं गुरजीत कौर तरन तरन तो हैगे आ, तो अपना मुंडिया थोड़ा मैं दस रहा है भी अपना हरमनप्रीत, रुपिंदर, अपना मनप्रीत कप्तान हैगा, तो अगे दिलप्रीत, शमशेर सिंह हैगा, तो अपना 2 प्लेयर मैं 9 माइंड चो निकल रहे हैं, तो इस तरह साढ़े एथलैटिक के तजिंद्रपाल तूर जा रहा, और जी तुम गल करते हैं कुड़ी कमलप्रीत कौर, ये कुड़ी बरनाले तो हैगी है, और एक कुड़ी पिंड चक्कर तो सिमरनजीत वो बॉक्सिंग दे विच जा रही है, 13 दे करीब, पर पंजाब लई इक मैं तो कहूँगा बड़ी दुखदाई गल है, क्योंकि साडा पंजाब दा दिन दिन स्पोर्ट्स कल्चर बहुत डाउन चले गया, पंजाब सरकार दी कमी लगती है थोनू भी, जे कमी सरकारां दी आपां चलो मान लैने आ, तुहानू लगदा कि ये कमी है जिहड़ी बहुत जल्द दूर हो सकती है, की चीज़ां लैके आउणी चाहीदियां ने? दूर करना सरकारां दे फर्ज ने, पर जिहड़ी कमी आ ओह हैगी आ स्पोर्ट्स पॉलिसी, पंजाब दी जिहड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी आ ओह खिडारियां दे हित विच नहीं हैगी, देखो हरियाणा दी स्पोर्ट्स पॉलिसी, हरियाणा दीआं 9 कुड़ियां जिहड़ी उत्थों दी इंडिया दी हॉकी टीम उहदे लई चुणियां गईआं, साडी इक चुणी हुंदी आ, हरियाणा दे मेरा ख्याल आ जे 130 प्लेयर ने तां 70 प्लेयर कल्ले हरियाणा दे जा रहे ने, तो बॉक्सिंग दे विच उन्हां दा जोर आ, कुश्तियां दे 9 प्लेयर उन्हां दे जा रहे ने, निशानेबाजी 15 ने, 15 तो मेरा ख्याल 11 12 उन्हां दे जा रहे ने, पर
हरियाणा की स्पोर्ट्स पॉलिसी खिडारियों के बेहतर आ उत्थे जिहड़ा ओलंपिक जो गोल्ड मैडल आता उन्होंने 6 करोड़ रुपये का प्राइज़ है, सैकंड में 5 करोड़ का, थर्ड में 4 करोड़ का वा। तो इस तरह पंजाब के सिर्फ 2.25 करोड़ रुपया मिल रहा, तो उन्होंने सैकंड में 1.5 करोड़ तो थर्ड में 1 करोड़ है। जो थोड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी खिडारियों हक च ने, फिर दूसरा हरियाणा ने खिडारियों सारे टॉप जॉब दित्तियां ने, जिम DSP भर्ती किए हैं। पंजाब के खिडारियों कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं, पंजाब के खिडारी कोई रेलवे च कोई ONG बाहर कंपनियों में जाके जॉब कर रहे। तुसीं हुण जिवें गणाई है कि हरियाणे दे विच इन्ने बच्चे ने जिहड़े बाहर कर रहे हैं, ओलंपिक दे विच जा रहे हैं, खेडां च जा रहे हैं, उन्नी ही गिणती दे विच जिहड़े बराबर दे नौजवान ने पंजाब छड्ड के कैनेडा, अमरीका, आस्ट्रेलिया दे विच जा रहे हैं। देखो अज साढ़े हर माँ बाप का, हर बच्चे का टारगेट एक रह गया, स्पोर्ट्स नहीं टारगेट है कि हूँ जी मैं इंडिया खेलना, भावें फुटबॉल आ, वालीबॉल आ, एथलैटिक्स आ। असी 60 साल हो गए, असी एक मिल्खा सिंह द्वारा दूजा मिल्खा सिंह नहीं पैदा कर सके, असी एक गुरबचन रंधावा नहीं पैदा कर सके, असी मक्खण सिंह नहीं पैदा कर सके, असी हॉकी दे किसी टाइम साड़ी चढ़त सी अजीतपाल, सरजीत रंधावा, प्रगट वर्गे बड़े नामी प्लेयर से, प्रिंसीपल कैंगो पेनल्टी करना सीगा। असी जदों सरकारां दा ध्यान नहीं होगा, सरकार प्लेयर जिन्हों जॉब नहीं दू, जिहड़े आ मैं 13 प्लेयर गिने ने पंजाब दे जा रहे ने, इन्हां विचों भी बहुते प्लेयर रेलवे ONGC वख-वख कंपनियां च बाहर जॉब करदे ने। कितें ना कितें तुसीं माँ बाप दी या परिवारां दी गलती नहीं इत्थे मानदे कि ब्रेन ड्रेन आ, हुण सारिआं ने सुपना इक्को ही फड़ लिया भी असीं जहाज ही चढ़ना। मैडम माँ बाप की की गलती है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा माइग्रेशन इज ऑलवेज गुड, जिथे चंगा फ्यूचर दिखूगा उत्थे ही जाना वा। जे माँ बाप नूं कनेडा च बच्चे का फ्यूचर वधिया दिंदा तां जांदे आ, अगे लोकां नूं माँ बाप नूं खेडां च फ्यूचर वधिया दिंदा सी, इत्थे पढ़ाई च फ्यूचर वधिया दिंदा, इत्थे बच्चे नूं पढ़ाउंदे सी, खिडाउंदे सी, प्लेयर बनाउंदे सी, प्लेयर इंडिया खेडदे सी। असीं इक थोड़ी जी गेम कीती आ, असीं अज्ज बिजली बोर्ड दे विच 30 साल जॉब कीती आ, ठीक है। जे साढ़े इक ना खेडिया भी सानूं जॉब मिल गई सी, अज तक खेडिया नूं जॉब नहीं मिलती। ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी प्लेयर खेडे, नैशनल खेडे प्लेयर वेले फिरदे ने, रोटी नहीं मिलती हैगी। मेरा बच्चा नैशनल खेडिया, कोई उन्हों किसी पास सहूलत नहीं मिली, अखीर नहीं वो आईलेट्स करके अमरीका गया। इदा ही हर परिवार की यह कहानी हैगी, जिन्ना टाइम सरकार ध्यान नहीं दूगी, जिन्ना स्कूलों के खेड विंग बंद ने, कॉलेजों के खेड विंग बंद ने, कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं, कोई पैसा नहीं है, किदा तुसी आउटपुट ले लोगे। टोक्यो दे विच हुण केंद्र सरकार ते सूबा सरकार की योगदान पा रही है? केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है खेलो इंडिया, वह टारगेट रखे 228 ओलंपिक मेडल आना। इस तो पहला 4 साल पहले जो खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई सी, उहदे विच ओह कहिंदे सी असीं टोक्यो ओलंपिक दे विच 25 मैडल जितने आ, पर मेरी जो जिन्नी क परमात्मा ने सोची दित्ती आ 10 तो वध मैडल नहीं आने, जे 10 मैडल आ गए तो बहुत वड्डी साडी अचीवमेंट होगी। तो क्योंकि मैडल सानूं एक हॉकी च दिस रहा, बॉक्सिंग दे विच मैडल देख रहा, तीरअंदाजी च आ सकदा मैडल, तो निशानेबाजी च मैडल आ, तो साडा गेम नहीं होना। 16 गेमां चों 8 गेमां दा साडी सिर्फ एंट्री होनी आ, तो वोद जे मेरे ख्याल असी 7-8 मैडल भी जित लें साड़ी बड़ी प्राप्ति हो, नहीं तो खाली हाथी आवेंगे। देखो एक अमेरिका का प्लेयर आ माइकल फिलिप्स, उस एक बंद ने 23 मैडल जित ले, असी अपने 100 साल के इतिहास में टोटल 28 मैडल जितते ने, वह भी 11 साढ़े हाकी के मैडल ने। तो इस करके जिन्ना टाइम चाहे भावें केंद्र सरकार आ भावें स्टेट गवर्नमेंट आ, खेडा प्रति सीरीयस नहीं होगी तो उन्ना टाइम रिजल्ट नहीं आने। इन्हां दा कहना है कि खेडां दे प्रति जिहड़ियां सरकारां ने उन्हां नूं होर मुद्दियां तों वेल नहीं मिलदी पई, तां उह इक पासे नौजवानां नूं कित्थे खड़ा करनगे, क्योंकि खेड जगत दे विच काफ़ी नुकसान हो रहा है। वाकई मनण वाली गल है, क्योंकि पिछले 5 दहाकियां तों तुसीं देख सकते हो कि खेडां दा स्तर है जिहड़ा नीचे गिरता जा रहा है लगातार। नौजवान पीढ़ी जिहड़ी नशियां दे विच जाई जा रही है, कुछ ने जिहड़े समझदार ने जां सूझवान ने अपने आप नूं बचा रहे ने तां उह बाहर दे वल भज्जे जा रहे ने। जगरूप सिंह दी वाणी तुसीं सुणी है, हुणी उन्हां ने किस तरह अपने बयान दित्ते ने, की कहना चाहोंगे सर? ब्रेकिंग न्यूज़ वालों भी आपदे वालों भी जिहड़े प्लेयर जा रहे हैं ना, उन्होंने गुड विशेस से गुड लक कह रहे हैं, भी परमात्मा करे कोई यह जहा करिश्मा भी मैडल लेके आन, तो सह सरकार के कन्न खुल जाने। बस ये मेरी गुड नौजवानों भी प्रेरणा, वो साढ़े लिए सारे लिए रोल ऑफ मॉडल बन गए, और नौजवान पीढ़ी खेडों वाल वधू, जो सा खेड सभ्याचार खत्म हो रहा, हो सकता प्रफुल्लित हो जाए किसी तरीके। देख सकते हो इन्होंने दुआवां दित्तियां ने जिहड़े टोक्यो ओलंपिक दे विच जा रहे ने, तां जो जिहड़ी जाण वाले ने उन्हां नूं उत्साह मिले कि जिहड़े साडे सीनियर ने रोल मॉडल ने इन्हां नूं भी मन्निया जांदा है। जगरूप सिंह जरखड़ ने जिहड़ियां खेडां बहुत फेमस ने ऑल वर्ल्ड दे विच, उन्हां दी बाणी तुसीं सुणी है साडे वल्लों भी, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ पंजाब दी पूरी टीम दे वल्लों। टोक्यो ओलंपिक खेडण जा रहे सारे नौजवानों नूं साडियां गुड विशेज़ ने कि तुसीं जित के आओ, तो असीं तुहाडा सन्मान इसे तरह करिए। अज्ज दे लई बस इन्ना ही, मैनूं यानी कि NV माजरा नूं दो इजाज़त।